मैं आशुतोष शर्मा आज क्लास के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सब नरेशन के बारे में पढ़ेंगे। नरेशन क्या होता है? कथन। यह आपके पास सभी कक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है यह नरेशन। नरेशन देखिए होता क्या है, कथन। कथन क्या होता है? जब हम किसी भी बात को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, या जब हम किसी भी बात को कहते हैं तो उसे हम कथन कहते हैं। किसी भी बात को या अपनी बात को किसी के सामने व्यक्त करना ही कथन कहलाता है। अपनी बात को किसी के सामने व्यक्त करना ही कथन कहलाता है। कथन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपके पास डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं एक प्रत्यक्ष कथन और सेकंड होता है आपके पास अप्रत्यक्ष कथन। फर्स्ट होता है आपके पास प्रत्यक्ष और सेकंड क्या होता है, अप्रत्यक्ष कथन होता है। तो आइए देखते हैं पहले कथन क्या होता है, उसके बाद कथन के प्रकार देखते हैं। तो आइए देखते हैं कथन। अपनी बात को किसी के सामने व्यक्त करना कथन कहलाता है। क्या कहलाता है? कथन कहलाता है। कथन कहलाता है। अपनी बात को किसी के सामने व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? कथन कहलाता है। तो टाइप्स ऑफ नरेशन, अब ये नरेशन के प्रकार पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ नरेशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नरेशन। नरेशन के दो टाइप्स होते हैं या दो प्रकार होते हैं। क्या होते हैं वह? देयर आर टू टाइप्स ऑफ नरेशन। नरेशन के दो भाग होते हैं। फर्स्ट होता है आपका, फर्स्ट क्या होता है? फर्स्ट आपका है डायरेक्ट स्पीच। फर्स्ट क्या है? डायरेक्ट स्पीच। और सेकंड होता है आपका इनडायरेक्ट स्पीच। सेकंड क्या होता है? इनडायरेक्ट स्पीच। फर्स्ट देखिए हम लोग देखते हैं, फर्स्ट क्या है? डायरेक्ट स्पीच को हम लोग प्रत्यक्ष कथन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कथन। और इनडायरेक्ट स्पीच को हम लोग कहते हैं, या हम सब कहते हैं अप्रत्यक्ष कथन, अप्रत्यक्ष कथन। ठीक है, तो यह आपके पास था नरेशन। नरेशन दो प्रकार के होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नरेशन। फर्स्ट होता है डायरेक्ट स्पीच और सेकंड होता है इनडायरेक्ट स्पीच। आइए सब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। डायरेक्ट स्पीच क्या है? डायरेक्ट स्पीच प्रत्यक्ष कथन। देखिए प्रत्यक्ष कथन को क्या कहते हैं? जब कभी भी वक्ता अपनी बात को ज्यो का त्यो रख देता है, अर्थात जब कभी भी वक्ता अपनी बात को ज्यो का त्यो रख देता है, उसे हम प्रत्यक्ष कथन कहते हैं। When any speaker present their conversation at the same word is called a direct speech। क्या लिखेंगे? जब कोई वक्ता अपनी बात को ज्यों का त्यों जैसे है वैसे ही रखेगा, ज्यों का त्यों रखता है प्रत्यक्ष कथन कहलाता है। प्रत्यक्ष कथन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष कथन कहलाता है। जब कोई वक्ता अपनी बात को ज्यों का त्यों रखता है, प्रत्यक्ष कथन कहलाता है। When any speaker present their word
प्रेजेंट डियर वर्ड सेम काल क्या कहते हैं कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच इसको हम क्या कहते हैं डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच का एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे यहां से हो गया राम सेज, राम कहता है ही इज रीडिंग अ बुक, वह किताब पढ़ रहा है। देखिए जैसे वह है बस अपनी बात को सीधा सीधा कह दिया कि राम कहता है वह किताब पढ़ रहा है। तो यहाँ से हमने देखा क्या कि जब कभी भी वक्ता अपनी बात को जो का त्यों कह देता है उसे हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। क्या कहते हैं डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। कोई भी वक्ता जब अपनी बात को प्रेजेंट करता है उपस्थित करता है उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच के मुख्यतः आपके पास डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। आप यही से देख रहे हैं कि डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं, वह क्या है। पहला इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग पार्ट कहते हैं, रिपोर्टिंग पार्ट कहते हैं। दूसरे सेकंड वाले को कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। फर्स्ट को हम रिपोर्टिंग पार्ट कहते हैं और सेकंड को कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो आइए अब इसके बारे में जानते हैं कि कितने पार्ट है इसके पास, इसके पार्ट के बारे में, रिपोर्टिंग पार्ट और रिपोर्टेड स्पीच के बारे में। एक बार इसको आप पूरा नोट कर सकते हैं या तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको रख सकते हैं। आइए इसके बाद देखते हैं आगे। आइए देखते हैं रिपोर्टिंग डायरेक्ट स्पीच के क्या क्या भाग होते हैं उसके बारे में डिफाइन करते हैं। देखिए डायरेक्ट स्पीच पार्ट ऑफ डायरेक्ट स्पीच क्या देखेंगे, पार्ट ऑफ डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच के भाग, डायरेक्ट स्पीच के क्या भाग होते हैं उसके बारे में। डायरेक्ट स्पीच के देखिए दो भाग होते हैं, क्या लिखेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। फर्स्ट होता है आपके पास क्या अभी तुरंत बताया गया रिपोर्टिंग पार्ट, और सेकेंड आपके पास होता है रिपोर्टेड स्पीच। सेकेंड क्या होता है रिपोर्टेड स्पीच। इसके बारे में देखते हैं रिपोर्टिंग पार्ट क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है। देखिए रिपोर्टिंग पार्ट क्या होता है, रिपोर्टिंग पार्ट देखिए रिपोर्टिंग पार्ट क्या होता है कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाला जो भाग होता है उसे हम रिपोर्टिंग पार्ट कहते हैं। रिपोर्टिंग पार्ट कहते हैं कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास के जो बाहर वाला भाग होता है उसे हम रिपोर्टिंग पार्ट कहते हैं। क्या लिखेंगे कॉमा और इनवर्टेड कॉमास के बाहर वाला भाग रिपोर्टिंग पार्ट कहलाता है। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाला भाग रिपोर्टिंग पार्ट कहलाता है। जैसे एग्जांपल अभी आपने देखा था राम सेज क्या ही इज अ गुड बॉय, तो ही इज अ गुड बॉय, वहां पर आपके पास रेडी बुक था। यहाँ देखिए यह वाला भाग क्या है रिपोर्टिंग पार्ट, इसको हम दिखाएंगे
कि यह क्या है, रिपोर्टिंग पार्ट है, यह आपका रिपोर्टिंग पार्ट है, ठीक है। तो रिपोर्टिंग पार्ट क्या होता है, कॉमा और इनवर्टेड कॉमास के बाहर वाला भाग रिपोर्टिंग पार्ट कहलाता है। सेकंड आपके पास है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है उसके बारे में, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है कि कॉमा, रिपोर्टेड स्पीच होता है आपका कॉमा और इनवर्टेड कॉमा के अंदर वाला भाग रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। कॉमा और इनवर्टेड कॉमास के अंदर वाला भाग रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। आइए इसको देखते हैं, कॉमा और इनवर्टेड कॉमास, इनवर्टेड कॉमास के अंदर वाला भाग क्या कहलाता है, अंदर वाला भाग रिपोर्टेड रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है, रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। तो कॉमा और इनवर्टेड कॉमास के अंदर वाला भाग क्या कहलाता है, रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। जैसे एग्जांपल यदि आप देखते हैं क्या होगा, राम सेज ही is a good boy, यहां से जो यह वाला भाग है इसको हम कहते हैं reported, क्या कहते हैं reported speech कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं reported speech कहते हैं। तो यह था आपके पास क्या कि डायरेक्ट स्पीच के कितने भाग होते हैं, डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं, फर्स्ट होता है रिपोर्टिंग पार्ट, सेकंड होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग पार्ट क्या होता है, कॉमा और इनवर्टेड कॉमास के बाहर वाला भाग रिपोर्टिंग पार्ट कहलाता है, और कॉमा और इनवर्टेड कॉमास के अंदर वाला भाग रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। आइए फिर उसके आगे देखते हैं कि आगे आपके पास क्या है, देखते हैं अभी तक हमने देखा डायरेक्ट स्पीच के बारे में, अब हम देखेंगे इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में, किसके बारे में, इनडायरेक्ट स्पीच। तो सेकंड आप जानते हैं, सेकंड आपके पास क्या लिखा गया है, इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच, इसके बारे में तो आपने जाना, टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच, टाइप्स इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में हमने अभी देखा नहीं है, तो थोड़ा सा इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में जानते हैं, उसके बाद इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में। इनडायरेक्ट स्पीच देखिए, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, अप्रत्यक्ष कथन, अप्रत्यक्ष कथन। तो अप्रत्यक्ष कथन क्या होता है कि जब कभी कोई भी वक्ता अपनी बात को ज्यों का त्यों ना कहकर अपने शब्दों में कहे, जब कभी भी वक्ता अपनी बात को ज्यों का त्यों ना कहकर अपने शब्दों में कहे तो उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जब कोई वक्ता अपनी बात को ज्यों का त्यों न कहकर अपने शब्दों में कहे इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है या अप्रत्यक्ष कथन कहलाता है। When any speaker, क्या लिखेंगे, When any speaker, When any speaker said his word, या she
His word अपने शब्दों को in his said his word his language says कहता है his word his language अपनी भाषा में कहता है अपने शब्दों को अपनी भाषा में कहते हैं says his word to his language कार्ड indirect speech क्या कहलाता है indirect speech कहलाता है when any speaker says his word to his language जब कोई वक्ता अपनी बात को अपनी भाषा में कहता है अप्रत्यक्ष कथन कहलाता है। अब यहाँ पर there are two types of indirect speech there are two types of indirect speech के दो भाग होते हैं। इसके एग्जांपल को हम लोग देखेंगे कैसे दो भाग होते हैं। फर्स्ट आपके पास होता है प्रिंसिपल क्लॉज मुख्य कथन या मुख्य उपवाक्य। उसके बाद आता है आपके पास सब ऑर्डिनेट क्लॉज मुख्य उपवाक्य यह होता है आपका आश्रित उपवाक्य। इसे कहते हैं हम आश्रित उपवाक्य। तो यहां से देखिए हम देखते हैं प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है। देखिए ऐसा कथन या प्रिंसिपल क्लॉज ऐसा कथन जो किसी दूसरे कथन पर आश्रित ना हो उसे हम मुख्य उपवाक्य कहते हैं। ऐसा कथन जो किसी दूसरे कथन पर आश्रित ना हो वह क्या कहलाता है मुख्य उपवाक्य कहलाता है। इसको देखते हैं ए सेंटेंस that is not depend another clause called principal clause क्या कहलाता है principal क्लॉज कहलाता है। क्या कहलाता है प्रिंसिपल क्लॉज। जैसे एग्जांपल देखते हैं जैसे राम कहता है कि ही इज अ गुड बॉय। राम कहता है कि वह एक अच्छा लड़का है। देखिए यहाँ पर अगर हम कहते राम कहता है तो आप समझ जाते हैं कि राम कहता है मतलब ये पूरा वर्ड हो सकता है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि राम सेज यह आपके पास पूरा वर्ड है जिसलिए आपके पास यह किसी पर आश्रित नहीं है। इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। क्या कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। और जो आश्रित होता है उसे हम सबऑर्डिनेट कहते हैं। तो आइए देखते हैं सबऑर्डिनेट क्या है। सबऑर्डिनेट क्लॉज कहता है कि ऐसा उपवाक्य या ऐसा वाक्य जो हमेशा प्रिंसिपल क्लॉज पर आश्रित रहता है या मुख्य उपवाक्य पर आश्रित रहता है उसे हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। आइए देखते हैं ए सेंटेंस दैट इज डिपेंड अब ऑन द प्रिंसिपल क्लॉज डिपेंड अपॉन प्रिंसिपल क्लॉज कार्ड सब ऑर्डिनेट क्लॉज उसे क्या कहते हैं हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। एग्जांपल
क्या होगा एग्जाम्पल, जैसे इसी एग्जाम्पल में देखते हैं, राम सेज दैट ही इज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। तो जो दैट इज अ गुड बॉय, देखिए राम कहता है कि वह एक अच्छा लड़का है, कि वह एक अच्छा लड़का है, तो कि कोई सेंटेंस नहीं है, इसलिए आपके पास की से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, सब ऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा, सब ऑर्डिनेट क्लॉज। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। आइए इसके बाद इसके आगे देखते हैं। तो इसके आगे वाला जो पार्ट होगा तो वह आपको मिलेगा दूसरे पार्ट में। तो यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, और इसका दूसरा पार्ट आपको जल्द ही आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।